हम कह रहे हैं कि इतना जुल्म करो जितना सह सको। आज इमरान खान को जब सजाएं देनी होती हैं तो वो भी हुक्मनामा आता है, और अब तो कह दिया उन जजेस ने कि हमें किस तरह प्रेशराइज किया गया। एक जज का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वहां पे जाकर उनको कहा जाता है कि 200 मुकदमा खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया, दहशतगर्द, गद्दारी, करप्शन, और हद ये है कि निकाह पर सजा दे दी गई। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं समझता हूं कि ये जितने ख्वा वो जरदारी है, ख्वा वो नवाज शरीफ है, और ख्वा जो आज मैं पंजाब असेंबली में खड़ा हूं, ये फूलन देवी है, ये वजीर आला पंजाब नहीं, हारी हुई जाली वजीर आला मैडम थीफ मिनिस्टर, ये सब लोग एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया है। ये सब ख्वा वो काजी फायजीसा हैं, ख्वा वो जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये सब सहूलतकार हैं, इस निजाम के सहूलतकार हैं। और आज पाकिस्तान में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। लोगों को कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है, लोगों को कहा जा रहा है तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। बंदूक के जोर पे पूरे निजाम को हाईजैक कर लिया गया है। और हम ये समझते हैं कि ये जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पर काबज है, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। इनको एक खास एजेंडे के ताबे लाया गया है। उसमें एजेंडा क्या है? एजेंडा इंटरनेशनल है, इसराइल को तस्लीम करना, सी पैक को रोल बैक करना चाइना के साथ, अमेरिका को अड्डे फराहम करना, और भारत की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना। इसलिए आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तानी कौम को उठना होगा, वरना यह जो इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूं, जो टोला पाकिस्तान पे काबिज है, इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इनके सारे इंटरेस्ट, इनका सारा लूटा हुआ माल कौम का सब पाकिस्तान से बाहर पड़ा है, और अब पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया गया है, पाकिस्तान को फॉर सेल लगा दिया गया है। कौमी असासे औने पौने दामों अपने फ्रंट मैनों के जरिए खरीदे जाएंगे, खा वो PIA है, खा वो आपकी स्टील मिल है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, ईद के बाद हमारे लीडर इमरान खान को, आज भी मैं कह रहा हूं, उनकी जिंदगी को खतरा है। उसकी वजह ये जो दहशतगर्द राना सनाउल्ला है, जो 22 लोगों का कातिल है, अली आबिद शेरली के वालिद अली शेर ने कहा, शेर अली ने कहा कि ये कातिल भी है, ये कब्जा माफिया का सरगना भी है, ये बार बार पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को कहता है, या इमरान खान रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, और कहता है कि इमरान खान के वजूद से पाकिस्तान को खतरा है। तो हम कहते हैं सुन लो, ये जितने इस वक्त डाकू, चोर, लुटेरे, जिनको पाकिस्तान पर कब्जा दिलाया गया है अपने मकासद हासिल करने के लिए, इंशाल्लाह ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि आप इतना बड़ा डाका मारे आवाम के हकूक पे। आज ये देखिए, वो कहती होती थी यही फूलन देवी मैडम थीफ मिनिस्टर कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। आज सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, आटा, चीनी, घी, दाल, सब कुछ अवाम के अप्रोच से बाहर हो चुका। इसलिए मैडम थीफ मिनिस्टर, तुम्हारा तो खानदान सर्टिफाइड क्रिमिनल्स हैं, सर्टिफाइड चोर हैं। वो एक डिग्गी वाला वजीर आजम चेरी ब्लॉसम, जो सिर्फ 17 सीटों के साथ जाल साजी के जरिए वजीर आजम बना हुआ है। इसी तरह ये 36 सीटों वाली हारी हुई जाली मैडम थीफ मिनिस्टर टिकटॉकर्स का ग्रुप लेकर सुबह निकल पड़ती है, फोटो शूट करती है,
और ये है आपका पंजाब। इसलिए आज हम यहाँ से पंजाब असेंबली में यह बताने आया हूँ, अपनी जमात की तरफ से ये बात कन्वे करने आया हूँ कि कोई किसी गलत फहमी में न रहे कि हम खामोश बैठेंगे। आज ना जजेस महफूज हैं, ना माएँ बहनें बेटियाँ महफूज हैं। आज जिसका दिल चाहता है बंदूक के ज़ोर पे, गोली के ज़ोर पे, वो यहाँ पर अगवा कर लेता है। 9 मई का बहाना बनाकर आज भी FIR-ों में लोगों को नामजद किया जा रहा है। आज यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों, ये मौजूदा रजीम और मौजूदा टोला, ये पाकिस्तान को जिसने OLX पे लगा दिया है, पाकिस्तान इनके हाथों गैर महफूज है। इसलिए हमें उठना होगा और इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे जिस तरह कराची में, KP में, पंजाब में भी बहुत जल्द आपको रैलीज भी नज़र आएंगी, रैले भी नज़र आएंगे। और कोई माई का लाल हमें कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुन लो मैडम थीफ मिनिस्टर, हारी हुई जाली वजीर अला टिकटॉकर, 3-4 कनीजें साथ लेकर, जाली जो आपने वजीर बनाई हुई है यह इन्फॉर्मेशन की, वो यहाँ धमकियाँ देती हैं आके। हमें पता है आप कितने पानी में हो। आप वही हो ना जिनके मुतलक पीर पगाड़ा कहता है कि जब बुरे हालात होते हैं तो पाँव में पड़ते हो, जब थोड़ी सी अकड़ आती है तो गले पड़ते हो। हमें तुम्हारी औकात का भी पता है, तुम्हारी हैसियत का भी पता है। इंशाल्लाह अवाम का रेला निकलेगा और जाति उम्रा के जो महल आपने लोगों के अवाम के खून पसीने से बनाए हैं, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह निकले नहीं देंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।